हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपके लिए आज एल्टो सैक्सोफोन का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत मेहनत से बनाया है आपके लिए और खूब आनंद लेना इसको बजाना। अगर आप बनाना चाहते हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना, कमेंट करना और आगे से आगे वीडियो पूरी देखना। थैंक यू सो मच। तो आओ दोस्तों, आपको बताता हूँ कि कैसे किन किन इंस्ट्रूमेंट को लेकर इसको बनाया गया है। पहले मेनू में जाना है, मेनू के बाद स्क्रीन को और जूम कर दो। मेनू में जाकर एडिट को एंटर करना है, इसके बाद में पैच में जाना है, फिर एंटर डालना है, फिर ये जो सैक्सोफोन कैटेगरी में इसको रख लेना है। आप कौन सी भी कैटेगरी में रख सकते हो। इसका लेवल है 105 रखा मैंने, आप इससे बड़ा या कम भी कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से। आगे देखते जाना, पैच प्रायोरिटी लास्ट रखा है और इसमें जो कट ऑफ प्लस 63 रखा है इसको आप एक बार चेक कर लेना कि 63 रखोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आएगी, नहीं तो आवाज़ बंद रहेगी। अटैक टाइम ऑफसेट -63, रिलीज टाइम ऑफसेट -30, वेलोसिटी 0, मोनोपोली पे है ये, लगेटो स्विच ऑफ, लगेटो रजिस्टर ऑन। आगे देखते जाओ आप, लगेटो टाइम नोट, और ये वैसे तो बंद ही है। आगे का पेज खोलते हैं इसको, 1026 एक इंस्ट्रूमेंट ये है, एक 367, 365, ये तीन इंस्ट्रूमेंट मिक्स करके मैंने ये बनाया है। इसको नीचे लेवल देख लो, जो गेन है वेव की वो +12 रखी है, ऑफ ऑफ। जो कलर है इसका 2 पे रखना है, तीनों इंस्ट्रूमेंट का 2 2 2, डिप्थ 1 1 1, नॉर्मल 0 0। आगे जो पेज है TMT, इसमें कुछ खास नहीं होता, फिर भी आप देख लो। में आगे आगे पिच, पिच इन वैल्व, इसको पहले तीन इंस्ट्रूमेंट को ही आपने एडिट करना है। इसका जो चौथा इंस्ट्रूमेंट है ऊपर से बंद कर रखा है मैंने, ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये वाला अगर यहाँ करेंगे तो ये चौथा स्टार्ट हो जाएगा, मगर इसको बंद रखना है। पहले तीन का ही आपने करना है। इसमें सिर्फ पिच एनवेलप टाइम 4 3 3 और 0, बाकी सब 0 0 है। TFV, LPF पे है तीनों, LPF 51, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 127 51, कर्व इसका फिक्सड पे रखा है तीनों का। इससे आगे TVF एनवेलप,
फिक्सड पे है करो, बाकी सब जीरो जीरो पे है। इससे आगे TVA, इसमें देखो टोन लेवल 127 तीनों का है और करव फिक्सड है। वेलोसेंस लेवल प्लस 12, वेलोसेंस लेवल है 22 प्लस 10 प्लस 22, और ये ब्यास लेवल है -30 -30 -30। और ये ब्यास पोजीशन है G6 G6 G6, जो ब्यास डायरेक्शन है अपर, टोन पेन 00, की फॉलो 00। और ये रैंडम पैन डिप्थ पहले का 0 है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट का 16 है, तीसरे का 0 है। इससे आगे आ जाओ, इसमें सिर्फ टाइम KF दूसरे का प्लस 20 और TVA एनवेलप टाइम 4 15 15 15। और ये लेवल है इसका, सॉरी, लेवल 127 पे है, 127। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये 15 15 था, 127 127 127, सभी का 1 2 3 लेवल का। आगे आ जाओ, आउटपुट MFX 127 पे हैं सभी, और ये 120 में एक रखा हुआ है सेंटर में। इससे आगे आ जाओ, आपको LF 01 त्रम्पट मोड पे हैं ये तीनों, 96 96 96। अच्छा, ये ज़रूरी है इसमें करना, क्योंकि ये पिच डिप्थ है, इसके अलावा सैक्सोफोन की वो जो डिप्थ है वो नहीं आएगी। जैसे इसको हम बंद कर देते हैं तो क्वालिटी इसकी सिंपल हो जाएगी, पीछे नहीं ना आ रहा कुछ। इसको अगर कर दोगे आपको पिच बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आगे आप आ जाओ LF2 में, ये TRI पे रखा है सारा, 65 65 65। इससे आगे स्टेप LFO, ये 0 पे है सभी, सस्टेन ये भी आप देखते चलो ऑन पे हैं। और नीचे वाला जो SW जो होता है इसका, वो ऑफ है। इससे आगे ये वाला आ गया, LF1 रखा है इसमें, LF2 रेट प्लस 37, ये स्विच ऑन रखना है, और ये सेंस है जो प्लस 7 रखना है। आप देख सकते हो तो ये हुआ हमारा पैच की सेटिंग। अब एक्सिट पे आकर इसको
इफ़ेक्ट सेटिंग में चले जाना है। इफ़ेक्ट के बिना ये इंस्ट्रूमेंट अधूरा होता है। इफ़ेक्ट ने ही सभी काम करने होते हैं। इसमें आप शुरू से ले ये परफॉर्म भी रख सकते हो। आप परफॉर्म में इफेक्ट में ये रखा है मैंने, वन पे इक्वलाइजर एफ एम एफ एक्स वन, ये ऑफ है, ये टू आ गया, एम एफ एक्स टू। शुरू से देखो आप, इक्वलाइजर प्लस टेन, लॉग इन प्लस फाइव, मिड गेन एम एफ एक्स टू, ये कम सारे जीरो पे होते हैं। जो डिले टाइम है इसका 1039 ms, 15 प्लस 20% 6300073। ये बैलेंस ज़रूर चेक कर लेना आपने, ये इतना ही होना चाहिए इसका। अगर आप डिले ज़्यादा करोगे वो आपकी इच्छा के अनुसार है। कोरस लेवल, रिवर्ब लेवल, इससे आगे एम एफ एक्स थ्री, ये आपको दिखाने का मतलब है कि आगे हम जब परफॉर्म में इसको सेटिंग करेंगे तो ये आपको बताऊंगा मैं कैसे बताए। डिले जो कोर्स है इसमें डिले रखा गया है 1.54 का। ये आप नोट कर सकते हो, ये रिवर्ब का लेवल है, रिवर्ब वर्ब वन स्टेज टू, टाइम 102, बाईपास 60, 127। तो दोस्तों ये इफ़ेक्ट की सेटिंग हो गई अपनी। इसके अलावा अगर आपने परफॉर्म में रखा हुआ है इसको, परफॉर्म में आप जाओ, परफॉर्म में मैंने ये रखा 5 नंबर पैड में। अगर पैड में ना भी रखोगे तो आप कहीं भी रख लो इसको, इसकी सेटिंग कर्सर से ये लेवल सेटिंग आ जाती है। इसका जो एम एफ एक्स टू रखा है हमने, जिसमें इक्वलाइजर था, ये टू पर रख के देख लो, आपको अच्छा लगा तो थ्री पर भी कर सकते हो। मेरे को यहाँ अच्छा लगता है, मैं यहाँ रखता हूँ। इसके बाद आप ऑक्टेव रेंज इसकी रख सकते हो अपने हिसाब से। इसमें कोई सेटिंग नहीं बदली गई है क्योंकि वहीं पैच में सब काम हो चुका है, ये सब 00 होएगा। तो दोस्तों आपने ऐसे इसका पैरामीटर देखकर बना लेना है, और इसको जब आपने स्टोर करना है, राइट करना है इसको, जूम हटाओ, इसको राइट करने के लिए आपने राइट वाला बटन दबाना है। पहले आपने पैच राइट करना है, पैच राइट नाम लिख सकते हो आप, नेम लिख सकते हो, इसको फिर राइट एंटर करना है, और आप कितने नंबर पे रखना चाहते हो पैच में वहाँ चला जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको लोड कर रखा है 583 पे, तो मैं नहीं करूंगा इसको, बस इसके बाद एंटर डालोगे तो हो जाएगा ये। इसके बाद आप आओ परफॉर्म राइट में, राइट दबाओगे, राइट दबाना है, परफॉर्म राइट, इसको ओके पर लाना है और एंटर डाल देना है, वहाँ परफॉर्म में आपका राइट हो जाएगा। तो आपने आराम से इसको पैच को बनाना है और इन्जॉय करना है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आपको अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट और देखने को मिलेंगे और बजाने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कीबोर्ड है XPS 30,
बहुत अच्छा कीबोर्ड है, इसकी जो साइटिंग मैंने की है मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कीबोर्ड। इसकी क्वालिटी साउंड पे बहुत अच्छी आती है। और आप अगर सैक्सोफोन का कीबोर्ड या इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो तो आपको मैंने बता दिया है, अगर कोई दिक्कत आए तो नीचे आप कमेंट करना और आगे से आगे शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।